हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, आप लोगों ने तो मुझे परेशान ही कर दिया। लास्ट वीडियो जो आप लोगों ने देखी, मिस्ट फैन वाली, उस पर आप लोगों ने इतने कमेंट्स वगैरह किए कि भाई बड़ा पंखा बनाएं, बड़ा पंखा किस तरह बनेगा, कोई बड़े साइज में पंखा बना के दिखाएं कि मिस्ट उसकी किस तरह की होती है, उसकी कूलिंग किस तरह की होती है। तो गाइस, आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ, ये मेरे साथ पड़ा है एक पेडिस्टल फैन, जो कि घर वगैरह में पड़ा होता है। हर घर में तकरीबन एक या दो या तीन पेडिस्टल फैन पड़े होते हैं, और जो कि गर्मी में बिल्कुल नाकारा होते हैं। मतलब गर्मी में इसलिए नाकारा होते हैं क्योंकि अगर गर्म हवा गर्म है, बाहर गर्मी है, तो इन्होंने भी गर्म हवा ही फेंकनी है। तो गाइज, मैंने सोचा कि इस पर अगर मिस्ट हम लगाएं, मिस्ट अपनी नोजलें, ये वाली नोजलें लगाएं और ये सारा सामान इस पर फिट किया जाए, तो इसकी कूलिंग किस तरह की होगी और इस नकारा गर्मी में नकारा पंखे को काम का बनाते हैं। तो गाइज, अब इसको बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करता हूँ मैं बनाना, और ये आप लोगों के सामने पड़ा है मेरा सामान जो कि इसमें हमने फिट करना है। इसमें आज हमने फिट करनी है 10 नोजलें। गाइज, 10 नोजलें। लास्ट वाले आपने वीडियो में देखा था तो उसमें हमने 3 नोजलें लगाई थी जिसकी इतनी ज़्यादा मिस थी, और आज ये बड़ा पंखा मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, इस पर हम 10 नोजलें लगा के चेक करेंगे कि क्या हमें मिलता है, किस तरह की हमें कूलिंग मिलती है। तो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगा के ये मिस्ट फैन जो बड़ा साइज में होता है वो कैसे बना सकते हैं और उससे फायदा किस तरह हासिल कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको ये आपको सिखाता हूँ कि ये उतार लेते हैं इसका सामने वाला जाल। तो गाइस, ये मैंने जो है फ्रंट वाला जाल उतार लिया है, और अब करते हैं इस पे अपनी नोजलों की फिटिंग। तो जैसे हमने पहले किया था सिंपल, वैसे ही फार्मूला है। अभी हम लगाएंगे अपनी ये बेसिस सबसे पहले, और इसको लगाएंगे हम इन केबल टाइयों की मदद से। गाइज, अब मैंने फिट कर दी है अपनी सारी नोजलें, और आप देख सकते हैं कितनी वीआईपी लग रही हैं। मतलब कि ये हैं टोटल 9 नोजलें चलेंगी, और ये 10वीं हमने इस्तेमाल की है, ये वाली, ये एज अ टी इस्तेमाल की है, और यहाँ से जो है हमारा पानी की इन आएगी इन नोजलों के लिए। तो गाइज, ये देख सकते हैं कि जाल हमारा रेडी हो चुका है, और अब टाइम आ चुका है पंप तैयार करने का। पंप जो गाइज मेरे पास है यहाँ पर है डबल मोटर वाला, क्योंकि लास्ट वीडियो जो हमने बनाई थी छोटे पंखे के साथ, उसके पास सिंगल हमने इस्तेमाल किया था, अब हम करने वाले हैं ये डबल पंप इस्तेमाल। इसके जो PSI हैं गाइस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि हमने नोजलें भी ज़्यादा इस्तेमाल किए हैं और हमें PSI भी ज़्यादा चाहिए थे। अब मैं रेडी कर लेता हूँ पंप को और फिर शुरू करते हैं इसको फिटिंग। तो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अपना जाल जो है वो फिट कर दिया, और जो पंप से आ रही है हमारी आउट वाली पाइप वो है ये। तो गाइस, अब टाइम आ चुका है इसको फिट करने का। अभी मैं इसको यहाँ पे फिट कर देता हूँ। तो गाइज, यहाँ पर हमारा हो चुका है पंखा 100% रेडी। अब टाइम आ चुका है कि इसको टेस्ट किया जाए आउटडोर में जा करके, हमें क्या रिजल्ट देता है कि गर्मी से हमें ठंडी हवा आती भी है या नहीं। तो अब चलते हैं आउटडोर में। तो गाइस, यहां पर मैंने रख कर लिया है अपना पूरा मिस्ट फैन को रेडी। आप देख सकते हैं कि 9 की 9 नोजलें लगा दी हुई हैं, और हर चीज की जो मैंने फिटिंग है वो पीछे कर दी हुई है। अब जो टाइम आएगा, आप देख सकते हैं पानी के अंदर पानी वाला पाइप भी डाल दिया है, और बिजली कनेक्शन हर चीज का हमने कर दिया। मतलब ये बेकार सा पंखा जो हमारे स्टोर रूम में पड़ा था, अब ये देने वाला है वो ठंडी हवा। तो अभी शुरू करते हैं इसको पावर दे के, और फिर चेक करते हैं इसका रिजल्ट। वो गाइस, आपने देखा कितनी प्यारी मिस्ट बनाने लग गया ये, और कितनी प्यारी और ठंडी हवा मेरे पर आ रही है, और जैसे जैसे पंखा तेज होता जाएगा ये हवा और ज्यादा ठंडी होती जाएगी। आप देख सकते हैं कि कितनी प्यारी मिस्ट मेरे पास आ रही है। अभी जो पंखा जो है हमारा काफी सालों का पड़ा हुआ है, और इसके अंदर जाम लगा हुआ है, ये तेजी स्पीड भी आहिस्ता पकड़ता है, और जो है हमारे पंखे ने स्पीड अब पकड़ ली हुई है, और आप देख सकते हैं कि कितनी ठंडी हवा आ रही है। मैं इससे काफ़ी दूर खड़ा हूँ, मतलब 8-10 फुट दूर खड़ा हूँ, और मुझे बेहतरीन ठंडी हवा आ रही है। देख सकते हैं आप मैं कितनी दूरी पर खड़ा हूँ, 1-2-3-4-5 कदम दूरी पर खड़ा था,
लेकिन जो मुझे ठंडी हवा ही ठंडी हवा मिलती जा रही है, मतलब अगर आपने अपने घर में ये चीज़ तैयार करनी है तो आप इसको बेहतरीन तरीके से जिस तरह मैंने आपको समझाया सिंपली उस तरह तैयार कर सकते हैं। और वाकई बहुत ठंडी हवा दे रहा है मुझे, इतनी ठंडी हवा अगर रमज़ान मुबारक के मौके में मिल जाए, महीने में मिल जाए आप लोगों को, तो इससे बड़ी नेमत और कोई चीज़ नहीं है। तो गाइज उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो वीडियो को कर दें लाइक, अगर नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब, क्योंकि ये बहुत ही कमाल की वीडियो है। अगर इस वीडियो को देख के आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपका नुकसान है। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।